बिग बॉस 14 के घर में टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुरिया का 1.5-2 महीने का समय बेमिसाल रहा। अपनी हॉटनेस से पवित्रा ने सबका खूब ध्यान खींचा, लेकिन दुर्भाग्य से पवित्रा को जल्द ही आउट होना पड़ गया। आउट होने से पहले उन्होंने अपनी और एजाज खान की लव स्टोरी से भी लोगों को खूब अट्रैक्टिव किया। दोनों की नजदीकियां साफ साफ बयां कर रही थी कि पवित्रा एजाज एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इनके बीच में सीरियस वाला प्यार दिखा। एक तरह से कहें तो पवित्रा ने उस एजाज को अपने प्यार में पागल कर दिया, जो एजाज कहता था मुझे अब किसी से प्यार नहीं करना, प्यार में धोखे और बर्बादी मिलती है। एजाज ने शादी ना करने की कसम ही खा ली थी, लेकिन पवित्रा ने उनके दिल में घंटी बजाई और एजाज उनके हो गए। लेकिन अचानक से पवित्रा का आउट होना और फिर शादी की खबर, हर कोई शॉक्ड रह गया। जी हाँ, पवित्रा ने आउट होते ही अपनी शादी की खबर से हर किसी को झटका दे दिया। और एजाज खान का बिग बॉस में क्या हाल हुआ वो देखिए, जिसे पवित्रा पागल करके आउट हुई। दरअसल फैमिली टास्क के दौरान एजाज खान को डबल बोनस मिला। वो ये पहले उनके भाई मिलने आए और फिर उनकी लवर यानी पवित्रा पुनिया एजाज खान से मिलने आई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पवित्रा की दोबारा एंट्री होगी। एजाज तक पवित्रा को अपने सामने देखकर चौंक गए। दोनों की मुलाकात के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे, जिसमे दोनों एक दूसरे को टाइट से हग करते दिखे, लिप किस किया गया। और तो और एजाज ने सबके सामने कबूल किया कि पवित्रा तुम जैसी भी हो मुझे कबूल हो। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए मिले। आपको बता दें, पवित्रा आउट होने से पहले ही एजाज से शादी की बात कर चुकी थी और तो और एजाज के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। एजाज भी कह चुके हैं कि वो बाहर आते ही उनके अब्बू से बात करेंगे। हाल ही में पवित्रा के पिता की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से पवित्रा परेशान हो गई थी। पवित्रा ने कहा था कि वो 2021 में शादी करेंगी, मतलब एजाज के बाहर आते ही ये दोनों किसी भी दिन शादी कर सकते हैं। आपको बता दें, पवित्रा के बाहर आते ही उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक चौंकाने वाला सच भी सामने आया था। ये बात तो सभी जानते कि पवित्रा पुनिया का तलाक हो चुका है, लेकिन उनके पति ने बताया कि पवित्रा तलाकशुदा नहीं है बल्कि अभी भी शादीशुदा है। और ये बात खुद उनके पति सुमित महेश्वरी ने बताई। सुमित एक बिजनेसमैन है और खुद का होटल चलाते हैं। खुद को पवित्रा का पति होने का दावा करने वाले सुमित ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वो और पवित्रा अभी भी पति पत्नी है, लेकिन पवित्रा ने ये बात छुपाने को कहा। इससे पहले पवित्रा का अफेयर बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा से भी रह चुका है और अब दोनों एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। पवित्रा आने से पहले कह चुकी थी कि पारस को अपनी इज्जत प्यारी हो तो वो शो में ना आए। वैसे इस वक्त आप पवित्रा और एजाज की जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। हर तरफ से बुरी खबरों के आने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। लगातार एक के बाद एक स्टार्स की खबर से देश को झटका लगता जा रहा है कि अब रियलिटी शो बिग बॉस 14 से भी बुरी खबरें आने लगी हैं। हाल ही में मनु पंजाबी जब बिग बॉस में पहुंचे तो वो भी गंभीर हालत के चलते बिग बॉस से बाहर निकाले गए और फौरन उन्हें जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहीं अब बिग बॉस 14 की मशहूर कंटेस्टेंट रही पवित्रा पुनिया को लेकर भी बुरी खबर आ गई। पवित्रा पुनिया कुछ दिन पहले ही बिग बॉस से आउट हुई थी। बिग बॉस से निकलते ही वो अपने शो की शूटिंग में बिजी हो गई थी, लेकिन शूटिंग के वक्त पवित्रा पुनिया को ऐसी खबर मिली कि वो सब कुछ छोड़कर भागी। ना जाने कितने दिन तक पवित्रा पुनिया को अस्पताल में रहना होगा। लोग दुआएं कर रहे हैं। दरअसल पवित्रा पुनिया के पिता अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें चोट लगी है। बताया जा रहा है पवित्रा के पिता की हालत ज्यादा ही नाजुक है, जिसकी वजह से उन्हें फौरन घर बुला लिया गया है। पवित्रा पुनिया भी सब कुछ छोड़कर आनन फानन में दिल्ली घर पहुंची हैं। पवित्रा से जुड़े करीबी लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं खुद पवित्रा ने भी इंस्टाग्राम पर पिता की सलामती की दुआएं करने की अपील की है। पवित्रा से जुड़े करीबी ने बताया, हाँ पवित्रा दिल्ली में है। जैसे ही उन्हें पिता अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली, वो फौरन मुंबई से दिल्ली आ गई। पवित्रा के पिता कुशल पाल सिंह दिल्ली पुलिस में अधिकारी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि पवित्रा के पिता छत से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें काफी गहरी चोट आई है। बिग बॉस 14 में हिस्सा लेने वाली पवित्रा शो में शुरुआती एपिसोड में अपने दमदार
अंदाज और बाद में एजाज खान के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर काफी चर्चा में रही। एजाज ने भी कहा था कि वो बिग बॉस से निकलकर पवित्रा के पिता से शादी की बात करेंगे। हाल ही में जब एजाज खान ने शो में खुलासा किया कि वो मोलेस्टेशन का शिकार रह चुके हैं, तो पवित्रा ने भी इस पर हैरानी जताई। पवित्रा ने कहा कि मैं जानकर हैरान रह गई और टूट गई हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं बिखर गई। एजाज ने मुझे इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया था। एजाज ने टास्क के दौरान ये बात बताई थी। मुझे यही लग रहा था कि उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं कुछ कहा। पवित्रा के दिल में भी एजाज के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ गई थी। खबरें तो ऐसी भी हैं, एजाज खान पवित्रा के पिता से बात करने के लिए बिग बॉस से जल्दी आउट होने वाले हैं, लेकिन पवित्रा के पिता की खबर ने एजाज और पवित्रा के रिश्ते पर रोक लगा दी है। अब ना जाने पवित्रा के पिता कब तक ठीक होंगे, कब इनके रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। लोगों को पवित्रा के पिता की सेहत को लेकर डर भी सता रहा है। जिस तरह से लगातार किसी न किसी स्टार की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उससे हर कोई डरा बैठा है। मनु पंजाबी को बिग बॉस से बाहर भेजने की वजह बताई गई कि उनके पैर में दिक्कत हो रही थी। वो शो में भी लंगड़ाते हुए चलते देखे गए। वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मनु पंजाबी को सेट से छुट्टी देकर उन्हें फौरन जयपुर इलाज के लिए भेज दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात तो यही है कि आखिर पैरों की दर्द की वजह से मनु पंजाबी हॉस्पिटल में एडमिट क्यों होंगे। इतना ही नहीं, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मनु पंजाबी का काफी दिन तक इलाज चलेगा, मतलब वो काफी दिन तक हॉस्पिटल में रहने वाले हैं। ऐसे में मनु पंजाबी बिग बॉस में दोबारा जाने का सपना तोड़ ही चुके हैं। लेकिन अचानक मनु पंजाबी को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों मची, क्या आपको पता चला? जी हाँ, मनु पंजाबी पैर दर्द की वजह से नहीं बल्कि बड़ी बीमारी के शिकार होने पर शो छोड़कर भागे। मनु पंजाबी एक खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए। हम आपको मनु पंजाबी की बीमारी बताते हैं, आप भी उनको लेकर दुआएं करें और कमेंट करें। जिस तरह से मनु पंजाबी अचानक शो छोड़कर भागे, वो सब देखकर दर्शकों के दिलों में घबराहट पैदा हो गई। जब आप खुद मनु पंजाबी की खबर सुनेंगे तो सच में घबरा जाएंगे। दरअसल मनु पंजाबी पैनक्रेटाइटिस बीमारी के शिकार हो गए, जो बहुत गंभीर बीमारी बताई जा रही है। इस बीमारी में पेट में जो बड़ी ग्रंथि होती है, यानी छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में सूजन आ जाती है, वो इसी सूजन की वजह से ठीक से खा पी नहीं पा रहे हैं और अब तो वो चल भी नहीं पा रहे हैं। शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रण करने का जो काम करता है, वहाँ पर मनु पंजाबी को काफी समस्या पैदा हो गई है। इस बीमारी को पैनक्रेटाइटिस नाम से जाना जा रहा है। ये बहुत बड़ी बीमारी बताई जा रही है, क्योंकि ये बीमारी अचानक से होती है और काफी लंबे टाइम तक चलती है। इस जगह से अगर कुछ पदार्थ निकलकर ब्लड में मिलने लगे तो बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं, जैसे फेफड़े और हृदय जैसी परेशानी होने के बाद ये एक तरह की कैंसर की भी शुरुआत कर देती है। तो ऐसे में मनु पंजाबी इस वक्त बड़ी बीमारी के शिकार हो गए हैं, और अगर उन्होंने सही वक्त पर सही इलाज ना लिया तब भी उनकी जान को खतरा हो सकता है।